कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई के गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। अरे दिल्ली यात्रा करें, देश भले बिहार को तो संभालें, एक दरोगा मर रहा है। क्या मतलब है इसका? वैसे नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं, लालू जी का दबाव है कि आप देश घूमिए और मुख्यमंत्री गद्दी बेटा को दीजिए, और नीतीश बाबू छोड़ने को तैयार नहीं है। यही तो हाल है।